मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद हम मुमरा के दारुल फला मस्जिद के पास में। आपको बताइए कि दरअसल यहाँ पर एक उर्दू में बैनर लगाया गया है और मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बैनर को लेकर जो है गलत संदेश फैलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं से धर्म और राजनीति से जोड़कर जो है इसे बताया जा रहा है, धार्मिक रंग देने की इस बैनर को लेकर कोशिश की जा रही है। ऐसे में यहाँ पर आई है बीजेपी की पदाधिकारी रीदा रशीद, हम उन्हीं से बात करेंगे। आपने जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा ये बैनर यहाँ पर लगाया गया, खास तौर पर जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं उनको एक जानकारी दी गई है कि किस तरह से आप दीन के रास्ते पर चलें, और ये भी बताया गया है इसमें कि आप जो है अजनबियों से जो है बातचीत ना करें। लेकिन जो अजनबी शब्द है वहाँ पर ये गैर मतलब दूसरे समुदाय के लोगों से, दूसरे धर्म के लोगों से बात ना करें, इस तरह की जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें चलाई जा रही हैं जो बिल्कुल ही गलत है। सभी को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जितना ये बैनर मैं समझी हूँ, मैंने पहला पढ़ा, मैं समझी, फिर मैंने और दो चार लोगों से समझा, उनसे सामने पढ़वाया, फिर मैं समझी, तो उसमें कहीं भी इस तरीके से ये नहीं है, गैर ऐसा कोई वर्ड नहीं है उसमें। उसमें है कि आपको सबसे अलर्ट रहना है, जितना जो समझ पाए इसको अगर पढ़ के, कि आपको सबसे अलर्ट रहना है, आपको सबसे दूरी रखना है। इसमें अगर कौसा में आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर ऐसा बोली, ऐसा भी बोल सकती हूँ कि मैं आपको अपने ही कौम से दूर रहने को बोला गया है, क्या सबको बेटियों को कहा है, इसमें बेटियों को सख्त किया है, थोड़ा सा मेरे हिसाब से बेटियों के लिए सख्त वर्ड है कि बेटियों के लिए क्या करना है, कैसे रहना है बताया है, लेकिन यहाँ कहीं भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें दूसरे कौम को या दूसरों के बारे में बोला गया हो, ऐसा कहीं भी किधर भी मेंशन नहीं है। जिस तरह से नेशनल टेलीविज़नों में देखा जा रहा है, डिबेट हो रहा है बाकायदा इस बैनर को लेकर, राजनीतिक पार्टी के लोग बैठकर इस बैनर को लेकर जो है डिबेट कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों लिखा गया है, जबकि इसमें किसी गैर धर्म का शब्द का जो प्रयोग ही नहीं किया गया है। आप भी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी से जुड़ी हुई है, आप भी यहाँ पर आई, जब इसके बारे में जानकारी मिला, आपने भी पढ़ा, दो तीन लोगों से इसे पढ़वाया भी, तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से नेशनल मीडिया में, नेशनल टेलीविजनों पर इस बैनर को लेकर गलत खबरें दिखाई जा रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, नेशनल पे क्या चल रहा है मैंने देखा नहीं है तो मुझे उतना मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मैंने ज़रूर आपका भी न्यूज़ देखा, आपने भी यहाँ पर खड़े रह के एक से पूरा उसका करवाया, और मैंने भी यहाँ के, मैं एक घंटे से खड़ी हूँ, मैंने यहाँ के लोगों को पूछा और उस पर बातें हुई, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन मैंने जैसे कहा, बेटियों पे सख्ती लाना चाहिए और उसकी बातें हुई है इधर, लेकिन वो एक हिसाब से मुझे ऐसा लगा, अगर बेटियों पे सख्ती ला रहे हो तो कहीं ना कहीं मर्दों पे भी सख्ती लाइए। इससे डबल बैनर, इससे 2-10 गुना बड़ा बैनर जो भी मौलाना ने लगाया है, जिसने भी लगाया है उसको तो सलूट है, क्योंकि उन्होंने ओपनली बहुत सारी अच्छी बातें भी है जो मैं बताऊंगी, लेकिन मुझे उन्हीं से एक रिक्वेस्ट करना है, आप मर्दों के लिए भी लगाइए, क्योंकि ये नाइंसाफ़ी है। अगर हम बेटियों पे और औरतों पे अगर सख्ती करते हैं तो ठीक है, आप अच्छी बातें बता रहे हो, तो मर्दों पे भी। सुनिए, सख्ती की बात नहीं है, जिस तरह से देश में एक माहौल बन गया था, जिस तरह से कुछ संगठन वीडियो जारी कर रहे थे कि जो है मुस्लिम लड़कियों के बारे में गलत बयानबाजी दी जा रही थी, तो ये सब कुछ देखते हुए कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को एक अपने बेटियों, अपनी बहनों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता है, इसके वजह से बहन बेटियों को जागरूक कर रहे हैं, तो आखिर इसमें क्या गुनाह है? आप भी थोड़ा वहां ले जा रहे हो, आप भी वैसा मत, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें भी नहीं है और ना ही कहीं देश में है, आप भी थोड़ा वहां ले जा रहे हो, ऐसा वहाँ कहीं भी नहीं है। बहुत सी ऐसी वीडियो आई हैं। नहीं, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ, वो बोलने वाले जैसे कि अगर नेशनल में आज चल रहा है उनको यहाँ आना चाहिए। मैं रीदा रशीद यहाँ रहती हूँ, जब मुझे पता चला तो मैं यहाँ आई, मैं खुद पहला समझी, फिर मैंने लोगों से समझ के लिया, तब मुझे पता चला कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें दीन और दुनिया, अगर बेटी उर्दू पढ़ रही है तो उसको इंग्लिश भी पढ़ाओ, दीन की किताबें भी पढ़ाओ, और वो बेटियों को मोबाइल से वगैरह, जो बच्चे आजकल जो क्रेजीली बच्चे लोग नहीं पागल हो गए मोबाइल लीजिए, उसमें ये भी बताया है कि बच्चों को मोबाइलों से दूर रखो, इस तरीके से बहुत अच्छी बातें हैं, और बच्चियों को ये भी बताया गया है क्या अच्छे से रहना है, लोगों से दूर रहना है, मर्दों से दूरियाँ रखनी है, क्यों रखना है, क्या रखना है, ये सब वो भी समझती है। लेकिन इसमें एक बार 10वां जो लाइन है बहुत अच्छा है, ये हमारी लड़ाई थी, ये हर
फिरके की औरतों की लड़ाई थी, और हम हमेशा औरतें झगड़ती भी हैं इस चीज़ के लिए कि हमें मस्जिद में जाने का मौका दीजिए, हमें नमाज पढ़ने दीजिए। ये हर औरतों का झगड़ा था। नहीं, नहीं, उसमें नमाज पढ़ने का जिक्र नहीं, उसमें ये है कि आप मस्जिद में उन्हें जाने दीजिए और जो भी उल्मा है उनके निगरानी में, दीन इस्लाम की बातें बताई जाएं। मस्जिद में नमाज पढ़ने की बात नहीं है, जो है दीन इस्लाम की बातें बताई, दीन इस्लाम की बातें। अगर देखिए, जब झगड़ा था, जब महिलाएं बोलती नमाज पढ़ने महिलाएं बोलती थी कि नमाज पढ़ने का हमें मस्जिद में जाने दीजिए। आज इतना बड़ा, अगर जिसने भी ये बैनर बनाया है उन्होंने बोला दीन और दीन का पढ़ने के लिए हमें मौका दीजिए या बेटियों को जाने दीजिए, मौलानाओं के हाथ में रखिए, मौलानाओं से उनको निगरानी में उनको सीखने दीजिए। भी तो बहुत बड़ी बात है, दीन की बातें सिखाइए उनको, मस्जिदों में आने दीजिए और एक बाजू में उनको भी जगह दीजिए, वहाँ पर दीन सिखाइए उनको। बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि उसमें ये मेंशन हुआ है। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ों को जो बाहर क्या बोल रहे हैं, मुमरा में मैं रहती हूँ, मुमरा में मैं टाइम बिताती हूँ, इसलिए मुझे पता है मुमरा में अगर आज ये वक्त आया है, अगर आज ये बैनर बना है, तो कुछ वक्त पहले या कुछ चल ही रहा है बुर्कों का कैसा इस्तेमाल किया जाए, ये भी एक टॉपिक चली है। उस पर भी ऐसा मुझे लगता है कि ये एक बात आई है कि बुर्कों में महिलाओं को किस तरीके से यूज किया गया। ठीक है, वो आपका पोस्टर का मामला है और वो आपका एक जो है कहीं ना कहीं जो विवाद यूज हुआ है ना, जो राजनीतिक तौर पर विवाद था, आप इस मामले बुर्के को इस मामले में मत लाइए। वो आपके एक राजनीतिक तौर पर जो है विवाद था, जो कुछ भी एक्स वाई जेड उसमें हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इस बैनर को लेकर जो आपने यहाँ पर आया, देखा जिस तरह की नेशनल मीडिया में खबरें चल रही हैं, तो आपको इस बैनर में क्या गलत और क्या सही लगा आपने बताया, लेकिन एक बार फिर पूछ रहा हूँ, आपको इस बैनर में कुछ गलत लगा? सख्ती है थोड़ी सी बेटियों पे, बहनों पे थोड़ा सा, यही सख्ती और यही तो लगाना ही पड़ता है ना। सख्ती अगर यही बेटियों पे और बहनों पे है, यही भाइयों पे लगे, थोड़ी सी इन पे भी सख्ती लगे तो बैलेंस होगा। एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफा बात होनी चाहिए। अगर महिलाओं के लिए है तो जेंट्स के लिए भी होनी चाहिए और उनको भी सख्ती लगनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो बैनर में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, कुछ है बातें जो समझा रहे हैं, किसी के लिए नहीं समझा रहे हैं, ये बस अपने आसपास की चीज़ों के लिए समझाया जा रहा है। तो मुझे यही है, जो भी चीज़ होता है उसी पे से सीख के ये कुछ चीज़ें लगती है, बैनर लगता है। तो मुझे इंशाल्लाह मैं राह देखूंगी कि वैसा भी एक बैनर मर्दों के लिए भी मुझे दिखाई दे। तो ये थी बीजेपी की पदाधिकारी रीदा रशीद, और इन्होंने साफ तौर पर जो है अभी कहा है कि इस बैनर में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे गलत बताया जाए। हालांकि एक बात ज़रूर इन्होंने कहा है कि जिस तरह से लड़कियों के बारे में जो बातें यहाँ लिखी हैं, उसी तरह से लड़कों के बारे में भी बात होनी चाहिए, उन पर भी नज़र रहनी चाहिए, उन पर भी जो है निगरानी की जानी चाहिए कि आखिर लड़के जो है वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बातचीत करते हैं। तो लड़कियों के साथ साथ लड़कों पर भी पाबंदी होनी चाहिए।